मसूदा विधानसभा क्षेत्र से आप सबके लोकप्रिय विधायक राकेश पारिक साहब, पूर्व मंत्री राजन चौधरी जी, चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी साहब, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक पुष्कर से नसीम अख्तर जी, हमारे पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत साहब, रामनारायण गुर्जर साहब, लक्ष्मीलाल जी, पूर्व विधायक नानूराम कुमावत साहब, हंगामीलाल मेवाड़ा जी, भूपेंद्र सिंह राठौड़ साहब, विजय जैन साहब, महेंद्र सिंह रलावता जी, हेमंत भाटी जी, महेंद्र शर्मा जी, हमारे ब्यावर से प्रत्याशी रहे पारस जैन साहब, कमल बाकोलिया जी, सचिन साकला जी, सुमित कालिया जी, आबिद कागजी साहब, संग्राम सिंह जी, वाजिब अली जी, सहदेव कुशवाहा साहब, नीनू कंवर जी, इस्माइल जी, जलालुद्दीन साहब, सरदार काठात साहब, कुंदन रावत जी, देशराज जी, प्रताप यादव जी, हरी सिंह जी, मंच पर हमारे तमाम मेहमान जो बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस किसान सम्मेलन में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राकेश पारिक साहब का कि इन्होंने आज इस क्षेत्र में जो तमाम विकास के कार्यक्रम थे, विकास की योजनाएं थी, उसका यहाँ पर उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, मुझे भी यहाँ पर आने का न्योता दिया। तो पारिक साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस विशाल किसान सम्मेलन को यहाँ पर आयोजित किया और मुझे विजयनगर दोबारा आने का मौका दिया। रास्ते में अनेक जगहों पर मैं रुका, सब साथियों ने स्वागत किया और वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। 2009 में जब पहली बार मैं अजमेर आया था चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि दौसा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हो गया था, तो मैं 2009 में पहली बार अजमेर में आया था, तो बहुत से साथियों ने कहा कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो इतिहास रहा, वहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा मजबूत इतिहास नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा इस धरती में है जो मुझे वो खींचकर यहाँ पर लाया। और सच में 2009 में आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया, जो ताकत दी, वो आज भी मुझे याद है। यहाँ से सांसद रहे मुझे अब लगभग 10 साल हो गए, लेकिन जब भी मुझे आने का मौका मिला, कार्यक्रम में, चुनाव प्रचार में, लोगों से मिलने के लिए, वही प्यार, वही अपनापन, वही स्नेह मुझे मिला और वो आज मुझे देखने को मिला। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, विजयनगर का, मसूदा का, अजमेर के लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का। मैं बहुत से लोगों को देख रहा था जो 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में काम कर रहे थे, उनके कुछ कुछ बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए, उनके बच्चे पहले दूसरी चौथी में पढ़ते थे, अब कॉलेज में हो गए, कोई दादा नाना बन गए, लेकिन ये पीढ़ी और समय निकलता रहता है, लेकिन रिश्ता, जुड़ाव, अपनापन वो कभी टूटता नहीं। और मैं तो कहता हूं कि समय के साथ वो और गहरा होता जाता है। पूरे प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिलता है, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल लगातार आप लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया और हमारी पार्टी की सरकार बनी। आज फिर चुनाव हमारे सामने है, 3 महीने के बाद राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव तय करेंगे कि 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होगा उनके परिणामों बहुत भारी असर पड़ेगा। इन विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका लोकसभा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, सरकार को जनता ने वोट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बहुत सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनी, एक विश्वास लोगों ने दिया था भाजपा को। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 9 सालों में
हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमारी माताएं बहनें यहां पर मौजूद हैं, हमारे किसान भाई मौजूद हैं, हर वर्ग को वोट लेने के बाद सिर्फ पीड़ा, दुख और परेशानी देने का काम किया है। किसानों के 3 काले कानून बनाए, साल भर तक किसानों ने दिल्ली में राजधानी में धरना दिया, सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या करी, तब जाके सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? मुझे पीड़ा इस बात की है कि इस देश और प्रदेश में जो खाई है अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज गरीब आदमी, गरीब किसान जो महीने में 10-20 हजार रुपए कमाता है, वो अपने 2 बच्चे पाल नहीं सकता। आज फल फूल साग सब्जी जो भी चीज बाजार में मिलती है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है, टमाटर तो 200 रुपए किलो हो गया था। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार ने झूठे मुंह ये तक नहीं बोला कि हम कोशिश करेंगे, हम दाम कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं साहब, उनको मालूम है चुनाव आएगा तो भाषण देने पहुंच जाओ, भगवान का नाम लो, मंदिर का नाम लो, मस्जिद का नाम लो, हिंदू का नाम लो, मुसलमान का नाम लो और वोट ले लो। वोट लेने के बाद ना नौजवान को नौकरी मिल रही है, ना गृहिणियों के जीवन को बेहतर करने के लिए महंगाई को कम किया जा रहा है। विकास के नाम पर इतना बड़ा मुल्क हमारा है, ये जो विकास हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आम व्यक्ति को थोड़ा फायदा मिले? मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, हम लोग नरेगा लेकर आए, गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आए, आयोजन ऐसा करते थे कि जो गरीब आदमी उसकी जेब तक पैसा पहुंचे। आज दुख की बात मुझे कहना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी के पास है जो केंद्र में तो सत्ता में फेल हो गई और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो गई। मैं परसों टोंक में गया था, वहां मैंने बोला, मैंने कहा यह भाजपा के नेता दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी को हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी जगने वाली नहीं है। राजस्थान में बीजेपी का जो हाल है आपके सामने है। लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है, सरकार की भी होती है, विपक्ष की भी होती है। दुख इस बात का है कि सदन के अंदर विधानसभा में या सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। जब दिसंबर में चुनाव होंगे, पिछले 25-30 साल से क्या हो रहा है, 5 साल सरकार कांग्रेस की बनती है, 5 साल भाजपा की बनती है, ये लगातार 5-5 साल का क्रम चलता आ रहा है। कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। वो इसलिए बनेगी कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, राकेश पारिख साहब हमारे विधायक बनकर गए मसूदा से, इन 5 सालों में सचिवालय हो, मंत्री का घर हो, मंत्री का दफ्तर हो, उसके पीछे पढ़ पढ़कर पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, सड़क हो, जो भी हो, पारिख साहब ने उनके प्राण भी लिए मंत्रियों के, लेकिन आपके क्षेत्र में काम करवा कर लेकर आए हैं। मैं उनका बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं सरकार में था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं सरकार में था तो मेरा भी कुर्ता छोड़ा नहीं, विधानसभा के अंदर सचिवालय के अंदर खींच के सड़क, हैंडपंप, बिजली, पानी, जो करा सकते थे मसूदा के लिए कराया, और मेरा भी मसूदा के प्रति दिल में खास जगह है, इसलिए जितना ज्यादा हो सका हम लोगों ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र में काम कराने की कोशिश करी है। तो साथियों, इस चुनाव के अंदर बहुत सोच समझ कर हमें अपने मत का प्रयोग करना है, और मैं जानता हूं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इस क्षेत्र से बहुत लोग चुनाव लड़ गए थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी जीत कर गई थी। और ये बात जो पारिक साहब ने बोली है, मैं भी दोहराना चाहता हूं। तरह तरह की बातें आएंगी, कोई चर्चा करेगा, कोई संवाद करेगा, कोई घोषणा करेगा, कोई अफवाह फैलाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी और आपके दम पर जीतकर जाएगी। अब ऐसे जब चुनाव आते हैं, उससे पहले बहुत सारे चुनाव से ठीक पहले
चुनाव से पहले बहुत से नेता, बहुत से दल, बहुत से वक्ता अलग अलग जिलों में जाएंगे, और मैं जानता हूं कि अजमेर के अंदर भी बहुत सारे लोग या तो आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से पहले बात रखेंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, और बहुत लोगों ने कोशिश कर ली। लेकिन आज इस सभा में जो भागीदारी आप लोगों की है, मैं डंकी की चोट से कह सकता हूं कि 100 सुनार की और एक लोहार की। तो आप लोग 36 कौम के लोग मजबूती से साथ दो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जब जब मैंने समर्थन मांगा है आप लोगों ने भरपूर असीम आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। आज भी हम लोग हर योजना, हर नीति, हर कार्यक्रम, हर बजट हमारा बनता है तो सबसे पहली चिंता हमारी होती है नौजवानों की मदद कैसे हो सकती है, किसान भाइयों की मदद कैसे हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी अगर हम सबको एकजुट रहना है, अपना इतिहास रहा है प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, उसको बरकरार रखना है। राकेश पारिक साहब आपके विधायक रहे, लगभग 4.5 साल हो गए। मैं भी पहली बार विधानसभा में गया, पंडित जी पहली बार विधानसभा में गए, हम दोनों विधानसभा में अपने अपने क्षेत्रों के लिए हमने काम किया, लेकिन उससे भी ज्यादा हमने संगठन पार्टी के लिए अपना काम और योगदान दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि पहले की तरह मजबूती से आप लोग एकजुट रहो और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत देकर यहां से जिताना। और ये बात मैं पहले कहकर जा रहा हूं, अब तो चुनाव का समय आएगा, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि जिस ईमानदारी से यहां पर काम हुए हैं, सब लोगों को साथ लेकर यहां पर एक आत्मीयता से, इंसान का आचरण होता है, उसका व्यवहार होता है, उसकी विनम्रता होती है, उसकी शैली होती है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राकेश पारिक साहब ने हमेशा एक विनम्र व्यक्ति के रूप में, जनसेवक के रूप में आपका काम किया है। इसलिए आज एक किसान सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए कि सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। जहां तक मुझसे पहले वक्ता वेद सोलंकी जी बोल रहे थे, राजेंद्र चौधरी साहब बोल रहे थे, जोधपुर से आते हैं, बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मैंने भी अपनी बात जब मुझे रखनी होती है मैं संकोच नहीं करता हूं, मैं बेबाकी से अपनी बात को रखता हूं। मुझे लगता है जो प्रदेश के हित में है, नौजवानों के हित में, संगठन के हित में, पार्टी के हित में, सरकार के हित में, उन बातों को मैं रखता हूं ताकि जनता की आवाज हम दिल्ली जयपुर तक पहुंचा सकें। आप सब लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं कि आपसी हमारा भाईचारा और प्रेम है, इसको बना के रखें। हमारे विरोधी दल के लोग हो सकता है ऐसी बातों को फैलाएं जिसमें आपस में टकराव हो या आपस में असहमति फैले, लेकिन आप समझदार लोग हो। आज जो विकास के काम हुए उसके लिए मैं पारिक साहब आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सैकड़ों करोड़ रुपए के यहां पर काम हुए, जनता को उसका लाभ मिलेगा, और आप लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने हर समय, कभी कभी राजनीति में अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, ये तो गाड़ी का चक्र घूमता रहता है, क्यों मोलक जी घूमता रहता है, तो अजमेर के लोगों ने, मसूदा के लोगों ने हमेशा हमारे को संबल दिया है, आशीर्वाद दिया है और ताकत दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यही प्यार, प्रेम और आशीर्वाद आपका भविष्य में बना रहेगा। क्या करें, मैं दो बातें कहना चाहता हूं, जीवन में जो रात गई सो बात गई, जो समय निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई जानता नहीं है। इसलिए मजबूती से ताकत से एकजुट हम साथ रहे, और आने वाला समय आप लोगों का होगा, पार्टी का होगा, नौजवानों का होगा, किसानों का होगा, और आप लोगों को एक बार मैं सुनो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दोनों हाथ खड़े कर कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे, कांग्रेस पार्टी, माताएं बहनें भी हाथ खड़े करें, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सा। अब अभी आपके सामने अपने 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में, 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सरकार से 12 ट्रैक्टर आए हैं, उन ट्रैक्टरों की चाबी पायलट साहब उन सहकारी समितियों के ड्राइवरों को देंगे,
आभार, स्वागत, अभिनंदन। और हमारे जो 12 ग्राम सहकारी समितियां हैं वो उन ट्रैक्टर चालकों को यार कार्ड गिर गया यार, मिले हो तो पहुंचना। अरे यार इसमें बोलने की बात है, वीडियो